हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है एक अपना 18 इंच का डीजे प्लस का स्पीकर है, देख सकते हैं। मॉडल नंबर है RCS 18451LF। ये एक फेरिट मैग्नेट में 1800 वाट का स्पीकर है डीजे प्लस का। तो आज इसका हम अनबॉक्सिंग देखेंगे और थोड़ा सा इसका साउंड टेस्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये डीजे प्लस का अपना वेबसाइट है, आप चाहे तो इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए डीजे प्लस के वेबसाइट पे और इस स्पीकर का आप मॉडल नंबर देख सकते हैं RCS 18451LF। तो ये हमारा स्पीकर जैसे वेबसाइट में है बिल्कुल उसी प्रकार से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पावर रेटिंग यहाँ पे 1800 वाट RMS है। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का वेबसाइट पे 1800 वाट मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप इसे 1500 वाट मान के चलिए। और यहाँ पे इंपीडेंस इसका 8 ओम्स है। सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं 99 dB है, मतलब इस पर बहुत ही अच्छा आपको साउंड मिल जाएगा। और फ्रीक्वेंसी टाइप आप देख सकते हैं, बेस यहाँ पे दिया गया है। और इसका वॉइस कॉल के साइज जो है 4.5 इंच है, कॉपर का होता है इन आउट के साथ। और मैग्नेट के साइज 245 mm। और फ्रेम का डिज़ाइन जो है एल्यूमिनियम का है। तो इस प्रकार से ये स्पीकर का वेबसाइट पे डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे हमारा स्पीकर। तो दोस्तों, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं उसी प्रोडक्ट का वीडियो बनाता हूँ जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और ज़्यादातर उसे मैंने चलते हुए देखा है, या फिर उस स्पीकर को जो यूज कर रहे हैं उनसे मैंने बात करी है। अगर वो उसका रिजल्ट अच्छा बताते हैं तब मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, ये स्पीकर हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भाई राजेश यूज करते हैं और उनसे मैंने बात करी है। वो कुनकुनी से हैं, आपने उनका कमेंट देखा होगा चैनल पे। स्पीकर यूज करते हैं LF 451 और उनसे मैंने बात करी, उन्होंने बताया कि इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। आगे हम इसका साउंड टेस्टिंग भी लाएंगे उनके सेटअप का। तो चलिए देख लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ इसका साउंड टेस्टिंग भी देखेंगे। दोस्तों, इसको टेस्टिंग करने के लिए मैं एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ। उसका आपको मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टूडियो मेन का है। ये एक 4500 वाट का एम्पलीफायर है, इसी में मैं इसका एक चैनल पे यूज़ करूँगा। इस एम्पलीफायर का 8 ओम पे रॉक्स 1000 इसका आउटपुट है। तो यहाँ पे हमारा 1800 वाट का स्पीकर है, लेकिन फिलहाल हम साउंड टेस्टिंग के लिए इसी एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपना स्पीकर है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ से LF 18451। ये फेरिट मैग्नेट में है दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्पीकर है। इसका आप स्पाइडर देख सकते हैं, 4.5 इंच का इसका वॉइस कॉइल होता है, कॉपर का वॉइस कॉइल होता है। इसका लीड वायर भी आप देख सकते हैं कोटेड है, इससे क्या है ये टूटेगा नहीं। और ये अपना डीजे प्लस का इसका ब्रांडिंग मिल जाती है। तो स्पीकर का लुक बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं इसको आपको इसका बैक साइड दिखाता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल दे रखे हैं दो प्लस माइनस के लिए और यहाँ से आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं। 1800 वाट RMS पावर है और अपना 2400 वाट प्रोग्राम पावर है, 8 ओम पे काम करता है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसका मैग्नेट साइज काफ़ी बड़ा है, 245 mm का इसका मैग्नेट का साइज है, 4.5 इंच का इसका वॉइस कॉइल का साइज है। एयर वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं हाइपर वेंटिंग सिस्टम दे रखा है जो कि वॉइस कॉइल को ठंडा कर रखने में मदद करेगा जब स्पीकर चलेगा। यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप वॉइस कॉइल देख सकते हैं, इन आउट वॉइस कॉइल है इसका। वॉइस कॉइल को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए जगह दे रखा है, यहाँ से आपको वॉइस कॉइल दिख जाएगा। ये अपना वॉइस कॉइल दिख रहा है। तो दोस्तों, ये अपना डीजे के लिए बहुत ही अच्छा स्पीकर है, आप बिंदास ले सकते हैं। इसका मैं प्राइस डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से उसका प्राइस चेक कर सकते हैं। चलिए आपको मैं इसका थोड़ा सा साउंड टेस्टिंग दिखा देता हूं। हेडफोन का यूज करिएगा दोस्तों, ताकि क्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Thank you.
तो दोस्तों ये था स्पीकर का साउंड टेस्टिंग। आपको बताना चाहूंगा इस स्पीकर का टेस्टिंग जो है मैंने एक 45 वाट के एम्पलीफायर पे किया है जो कि अप्रॉक्स आपको 1000 वाट देता है, और 1000 वाट इसके लिए काफी कम है। इस स्पीकर को अच्छे से रन कराने के लिए आपको 1300 से लेकर के 1500 वाट तक का आउटपुट मिलना चाहिए एडोन्स पे। इस टाइप का एम्पलीफायर पे बहुत ही अच्छा बजेगा। फिलहाल मैंने थोड़ा सा साउंड टेस्टिंग के लिए यहाँ पे छोटा एम्पलीफायर का यूज किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इस स्पीकर का यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करना उसका क्वालिटी कैसा है, ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी पता चले। आप बिल्कुल कमेंट करिए इसकी क्वालिटी आपको कैसा लगा और उसका प्राइस आपको कितना पड़ा था। और इसे आपको डीजे के लिए रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही अच्छा स्पीकर है। दोस्तों स्पीकर ले जाएंगे तो आप इसे चेक भी करा सकते हैं, वहाँ पे आपको चेक करके भी दिखाया जाएगा। अगर पसंद आता है बिल्कुल लीजिए, वैसे मैं आपको फुल रिकमेंड करता हूँ ये स्पीकर, आप डीजे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों इसका अप्रॉक्स प्राइस मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन फिर भी ये आपको 15,800 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर लेना होगा तो। मैं आपको शॉप का नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी आप डीजे प्लस का स्पीकर लेंगे जो डीजे प्लस के डीलर हैं उनसे ही लें, उनसे आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। और आप चाहें तो वहाँ चेक भी कर सकते हैं स्पीकर चला करके, पसंद आएगा तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी इनेबल करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ज़्यादातर वीडियो में साउंड टेस्टिंग रहता है तो इस टाइप का साउंड टेस्टिंग